नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी को कम करने के लिए चल रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में एक नई बाधा आ गई है। जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के बाद अब इनकम टैक्स का मामला खड़ा हो गया है। दरअसल जापान ने इस प्रोजेक्ट में लगे अपने इंजीनियरों की कमाई पर लगने वाले इनकम टैक्स को लेकर सवाल उठाया है। जापान का कहना है कि ये टैक्स कंसल्टेंट्स पर नहीं लगना चाहिए जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की डिजाइन से जुड़े काम को संभाल रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जापान ने कहा है कि भारत सरकार को इन कंसल्टेंट्स को मिलने वाली फीस और अन्य खर्चों पर इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहिए। यही नहीं, इन मुद्दों का समाधान ना होने पर परियोजना में देरी को लेकर भी चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 250 से ज्यादा सीटें हासिल कर बड़े बहुमत से सरकार बना ली थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके बड़े ओबीसी चेहरे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा था। अब भाजपा की एक रिपोर्ट में सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य की हार की वजह बताई गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश भाजपा ने 80 पन्नों की एक रिपोर्ट में 2017 के मुकाबले सीटें कम होने की वजह बताई है और इस रिपोर्ट को पीएम नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया है। देश में एक दिन में कोविड-19 के 2593 नए मामले सामने आए हैं। देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,30,57,545 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 15,873 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कोविड के 44 और मरीजों की जान जाने से कुल जान गंवाने वालों की संख्या 5,22,193 पर पहुंच गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.04% है, जबकि संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में कोरोना के 55 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने शनिवार को चेन्नई में टीकाकरण केंद्र का दौरा किया और कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। राधाकृष्णन ने कहा है कि अब तक 1420 लोगों में से 55 लोगों को आइसोलेट किया गया है। ये भी कोविड-19 के बहुत ही स्थिर और बहुत ही हल्के मामले हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन परिसर में पहले से उपलब्ध आइसोलेशन सुविधा का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। पवार ने कहा है कि शाह दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों से रक्षा नहीं कर सके। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनसीपी की रैली को संबोधित करते हुए पवार ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा का जिक्र किया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। पीएम आज जम्मू के सांबा जिले के पल्ली गांव में देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। खास बात यह है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार पीएम यहां का दौरा कर रहे हैं। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति और विधायक रवि राणा और शिवसेना के बीच विवाद जारी है। सांसद नवनीत राणा को उनके पति रवि राणा के साथ बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में पेशी से पहले नवनीत राणा के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नवनीत राणा पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि शनिवार को दिनभर हंगामे के बाद पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया था। येस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर ने गांधी परिवार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र के मुताबिक येस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर ने केंद्रीय एजेंसी को बताया है कि उन्हें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा में से MF हुसैन की पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया। इस तस्वीर से प्राप्त राशि का उपयोग गांधी परिवार ने सोनिया गांधी का न्यूयॉर्क में उपचार कराने के लिए किया है। मुंबई की एक विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र के अनुसार कपूर ने ईडी को सूचित किया कि उन्हें तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के 88वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करते देखे गए। इस कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय लोगों को कई तरह की नई जानकारी देता है। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व पीएम की जानकारी के लिए यह समय बेहद अनुकूल है क्योंकि हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। उन्होंने लोगों से कुछ सवालों का जवाब भी मांगा और कहा कि के जवाब नमो ऐप पर जरूर दें। उन्होंने कहा है कि देखते हैं कि आपको अपने देश के बारे में कितनी जानकारी है। इंडियन प्रीमियर लीग के 36वें मैच में आरसीबी की टीम ने सनराइजर हैदराबाद के सामने पूरी तरह से हथियार डाल दिए। ब्रिबोन के पिच पर जहां इस सीजन में सबसे ज्यादा बार 200 से अधिक का स्कोर बना, उस पिच पर आरसीबी ने सबसे कम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। स्टार गेम बल्लेबाजों में सजी टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और हैदराबाद के सामने केवल 68 रन पर सिमट गई। आईपीएल इतिहास में यह छठा सबसे कम स्कोर है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मीडिया के सवालों से उस वक्त नाराज हो गए जब इमरान खान से उनकी पत्नी की दोस्त फारा खान के देश छोड़ने पर सवाल पूछे गए। इस दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप के बीच फारा खान ने पाकिस्तान छोड़ दिया है और दुबई भाग गई है। फारा खान पूर्व सीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी की करीबी मानी जाती है।
विश्व में फैली कोरोना महामारी के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में फैल रहे हेपेटाइटिस के कुछ गंभीर मामलों की जानकारी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक उनके सामने एक्यूट हेपेटाइटिस के करीब 170 मामले सामने आए हैं, जिनके ओरिजिन के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है। WHO का कहना है कि इन मामलों में से कम एक की जान जा चुकी है। भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अपने शेयरधारकों को 15.50 रुपए या 1550% प्रति इक्विटी शेयर लाभांश की घोषणा की। HDFC बैंक ने नियामक फाइलिंग में जानकारी दी है कि उसके निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ में से शेयरधारकों को 1 रुपए के शेयर पर 15.50 रुपए का लाभांश देने का सिफारिश कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि ये निर्णय वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। रूस ने कहा है कि वो अपनी नव विकसित सम्राट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को सितंबर अक्टूबर की शरद ऋतु में हमले के लिए तैनात कर देगा। यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका और पश्चिमी देश के साथ चल रहे अत्यधिक तनाव के बीच विकसित की गई इस मिसाइल के अजेय होने का दावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये मिसाइल हर तरह के डिफेंस सिस्टम को फेल करते हुए 1 साथ 10 या इससे ज्यादा परमाणु हथियार लेकर कई लक्ष्यों पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। देश की राजधानी क्षेत्र को अक्टूबर महीने में गैस चैम्बर बनाने के संभावित खतरे से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले कुछ साल से अक्टूबर महीने में दिल्ली में स्मॉग जैसे हालात बन जाते हैं और पराली का धुआं इसके कारकों में से एक है। प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित कमीशन फॉर एयर क्वालिटी ने काम शुरू कर दिया है। IPL के बाद जून में होने वाली भारत दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज के लिए वेन्यू की घोषणा हो चुकी है। भारत में होने वाली इन 5 मैचों की T20 सीरीज के मुकाबले दिल्ली, कटक, विशाखापट्टनम, राजकोट और बैंगलोर में खेले जाएंगे। BCCI ने शनिवार को यह ऐलान किया है। फिलहाल भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी IPL में व्यस्त हैं। 29 मई को IPL के खत्म होने के बाद दोनों टीम आगामी इंटरनेशनल सीरीज की तैयारी में भिड़ेंगे। कार खरीदते समय हर ग्राहक उसे बाकी फीचर्स के साथ साथ सुरक्षा फीचर्स को भी बहुत महत्व देता है। आजकल कार में एक्सीडेंट होने की स्थिति में एयरबैग एक बेहद जरूरी सिक्योरिटी फीचर के रूप में काम करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ एक्सीडेंट होने के बाद भी एयरबैग नहीं खुलता है। इससे कार में बैठे लोगों को बहुत ज्यादा चोट आई है। लेकिन अब अगर एक्सीडेंट होने की स्थिति में एयरबैग नहीं खुलते तो ऐसी स्थिति में कार कंपनियों को ग्राहकों को जुर्माना देना होगा। SS राजमौली की RRR की सक्सेस के बाद प्रशांत नील की यश स्टारर फिल्म KGF 2 बड़े पर्दे पर धमाल मचा रही है। जहां देखो वहां KGF 2 का हल्ला बोल है और लोग भर भर कर फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच RRR स्टार रामचरण ने भी यश की तारीफ में कसीदे पढ़े और फिल्म की जमकर तारीफ की है। रामचरण ने अपने इंस्टाग्राम पर KGF 2 का पोस्टर शेयर किया है। इसके साथ ही एक्टर फिल्म की प्रशंसा करते देखे गए। महाराष्ट्र में 25 मार्च के बाद शनिवार को एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक 194 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 78,76,697 हो गई है। और वहीं संक्रमण से एक रोगी की जान भी चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की तादाद 1,47,832 तक पहुंच गई है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने डिजिटल पेमेंट से बदली लोगों की जिंदगी के बारे में बात करते हुए कहा है कि अब छोटे गांव और कस्बों में भी लोग UPI का उपयोग कर रहे हैं। इससे दुकानदारों और ग्राहकों दोनों को फायदा हो रहा है। ऑनलाइन भुगतान एक डिजिटल अर्थव्यवस्था विकसित कर रहा है। रोजाना 20,000 करोड़ रुपये का ऑनलाइन लेन देन किया जा रहा है। 2 दिन पहले तेलंगाना के निजामाबाद में एक घर में इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी के फट जाने से और आग लगने से 80 साल के एक व्यक्ति की जान चली गई है और 2 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद प्योर EV कंपनी ने अपनी 2000 गाड़ियों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। अब रविवार सुबह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में एक घर में इलेक्ट्रिक मोपेड की बैटरी फट गई है। हादसे में शिवा कुमार, जो 40 वर्ष के थे, उस नामक व्यक्ति की जान चली गई है। उनकी पत्नी की हालत गंभीर है, जबकि दोनों बच्चे बुरी तरह घायल हो गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित संकल्प यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर जमकर वार किया है। शरद पवार ने ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन के गुजरात दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि पहले दूसरे देश के नेता राजधानी का दौरा करते थे, हैदराबाद कोलकाता जाते थे, लेकिन अब सिर्फ गुजरात जाते हैं। शरद पवार ने कहा कि मैंने इंदिरा, राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव, मनमोहन सबका कार्यकाल देखा है। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 3 डिग्री कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे आर्द्रता का स्तर 44% दर्ज किया गया। विभाग ने दिन में तेज हवा चलने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। स्काईमेट वेदर के अनुसार प्री मानसून गतिविधियों के कारण पूरे देश में लू थम गई। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने शेयरधारकों को 1550% यानी कि प्रति शेयर 15.50 रुपए का लाभांश देने की शनिवार को घोषणा की। HDFC बैंक ने एक नियामक सूचना में बताया है कि उसके निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के शुद्ध लाभ में 1 रुपए के शेयर पर 15.50 रुपए का लाभांश देने की सिफारिश की है। यह निर्णय आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फ्यूचर समूह के खुदरा थोक लॉजिस्टिक और भंडारण संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए 24,713 करोड़ रुपए के सौदे की घोषणा के लाभ 21 महीने बाद शनिवार को कहा है कि इस सौदे को जारी नहीं रखा जा सकता क्योंकि सुरक्षित कर्जदाताओं ने इस सौदे के खिलाफ मतदान किया है। इस बीच फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस लिमिटेड के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक शैलेश हरिभक्ति ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि अस्थिर, जटिल और अप्रत्याशित कानूनी और वित्तीय परिस्थितियों ने अनपेक्षित मोड़ ले लिया है। फ्यूचर समूह की कंपनियों के शेयरधारकों और ऋणदाताओं की बैठक की अध्यक्षता हरिभक्ति की अगुवाई में हुई थी। हाजीपुर कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। वीडियो अपीयरेंस के बाद नॉन अवेलेबल सेक्शन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है। गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के एक मामले में अदालत ने जमानत पर सुनवाई के बाद बेल दिया है। बताया गया है कि गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के रसिया बिहार में 27 सितंबर 2015 को लालू प्रसाद यादव ने एक सभा को संबोधित करते हुए जाति सूचक टिप्पणी की थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि जरूरत पड़ने पर भारतीय सशस्त्र बल सीमा पार जाकर उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो भारत के दुश्मन हैं। गुवाहाटी में 1971 के युद्धवीरों के सम्मान समारोह में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यह सरकार का दृढ़ निर्णय है कि भारत सशस्त्र बल देश के खिलाफ काम कर रहे सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए सीमा पार भी चले जाएंगे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस दफा उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक नेता पर हाथ उठा दिया है। ये मामला शुक्रवार का है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो विधान परिषद चुनाव में भोजपुर से पार्टी के उम्मीदवार अनिल सम्राट पर तेज प्रताप यादव ने हाथ उठाया। सूत्रों के अनुसार अनिल सम्राट ने भी उसी अंदाज में इसका जवाब दिया। इसके बाद वहां पर उपस्थित लोगों ने दोनों को अलग किया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। बिहार की सियासत इन दिनों परवान पर है। जब से राजद की तरफ से आयोजित दावते इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए हैं तब से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। वहीं चिराग पासवान भी राजद के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे, तब से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में चिराग पासवान ने जब राजद के नजदीक और गठबंधन के सवाल जब उनसे पूछे गए तो उन्होंने जवाब दिया है कि जब तक कोई उपचुनाव या फिर चुनाव नहीं होता तब तक वो किसी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं करने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजद के इफ्तार पार्टी में शामिल होना राजनीतिक गलियारे में चर्चा का हॉट टॉपिक बना हुआ है। राजनेता से लेकर आम लोग इसके अपने अपने मायने निकाल रहे हैं। हालांकि सीएम ने इसे सिर्फ औपचारिकता करार दिया है, इसके बावजूद बाजार कई तरह के अटकलें लगाई जा रहे हैं। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। अब इसमें जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने राजद पर कटाक्ष किया है, साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा कहीं नित्यानंद रॉय को मुख्यमंत्री ना बना दे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रभु देवा, श्री राम कृष्णा, मंडल कुमार शर्मा, दीपेश अग्रवाल, पूजा कुमारी, शाम्भवी सिंह, दिल बाग आलम, शंकर मुखिया, कुमारी स्नेहा, प्रभात सिंह, दीपक कुमार, प्रमोद जोशी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए क्या सभी राज्यों में कोरोना से बचाव के लिए लागू किए गए नियमों को फिर से लागू कर देना चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।